संसार में अक्षय तृतीया के चंदन महोत्सव को प्रकट करने वाले हमारे ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के लीला में गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरुदेव श्रीमन माधवेंद्रपुरी पाद हैं। गौर कथा में आप इस प्रसंग को विस्तार से सुनते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जिन्होंने गिरिराज जी में श्रीनाथ जी को प्रकट किया, जो श्रीनाथ जी आज नाथ द्वारा में विराजते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को पीछे सेवा प्राप्त हुई, पर गिरिराज जी से मूल रूप में प्रकट करने वाले तो माधवेंद्रपुरी जी हैं। तो ठाकुर जी गिरिराज जी के नीचे 5000 बरस से दबे थे। माधवेंद्रपुरी पाद जी को स्वप्नादेश दिया, तब माधवेंद्रपुरी पाद जी ने ब्रजवासियों के सहायता से गिरिराज जी से श्रीनाथ जी को प्रकट किया। और फिर ठाकुर जी का मानसी गंगा के दिव्य जल से स्नान हुआ। ठाकुर जी को इस कलयुग का प्रथम 56 भोग भी श्री माधवेंद्रपुरी पाद ने लगाया। और फिर एक दिन श्रीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी पाद जी को स्वप्न दिया और कहा, माधवेंद्रपुरी पाद, आपने मुझे स्नान तो कराया, 56 भोग भी लगाया, लेकिन मैं बहुत दिन से नीचे दबा था, तो मेरे शरीर में दाह है, जलन है, आप उसको शांत करिए। माधवेंद्रपुरी पाद ने कहा, प्रभु कैसे शांत होगा आपका शरीर का दाह? बोले, आप जगन्नाथपुरी की यात्रा करिए, वहाँ चंदन बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ से चंदन लाइए, कपूर लाइए, और चंदन कपूर घिसकर मेरे अंग में लगाइए। जो प्रभु ब्रजलीला में दावानल का वन में लगी अग्नि का एक घूंट में पान कर जाते हैं, उनके शरीर में जलन हो रही है, यही भक्त वसलता है प्रभु की, संशय मत करिएगा। तब श्रीनाथ जी की आज्ञा से पैदल श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने गिरिराज जी से जगन्नाथपुरी की यात्रा की। मार्ग में रेमुना पड़े तो आप जानते हैं, वहाँ विराजमान ठाकुर गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी जी के लिए खीर की चोरी की और माधवेंद्रपुरी जी को प्रसाद पवाया। रुके वहाँ पर माधवेंद्रपुरी पाद जी और फिर आगे जगन्नाथपुरी गए। वहाँ से 3 मन चंदन का संग्रह किया, मलय चंदन का, असली चंदन का, एकदम दिव्य सुगंधित चंदन का संग्रह किया और उस परिमाण के अनुसार कपूर का संग्रह किया और उस चंदन कपूर को लेकर वापिस गिरिराज जी के लिए लौट रहे थे कि गोवर्धन नाथ जी को चंदन लगाऊंगा। लेकिन रास्ते में फिर गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ा रेमुना में, जिन ठाकुर जी ने छीर चुराई थी। जब उस मंदिर में रुके, सोचे दर्शन करके अगले दिन चलेंगे, तब श्री गोवर्धन नाथ जी रेमुना में माधवेंद्रपुरी जी को दर्शन दिए और कहा, माधवेंद्रपुरी पाद जी, अब चंदन लेकर गिरिराज जी मत आइए। माधवेंद्रपुरी पाद ने कहा, प्रभु इतनी बड़ी आपने यात्रा करवा दी, जगन्नाथपुरी तक मैं लौट रहा हूँ, कुछ दिन में पहुँच जाऊँगा, आप कहते मत आइए, तो इस चंदन का मैं क्या करूँगा? आपके लिए तो इतनी बड़ी यात्रा करके चंदन ला रहा हूँ, आपने कहा मेरे शरीर में जलन है, चंदन का लेप करो। तब श्रीनाथ जी ने कहा, जलन तो है, पर आप इस चंदन को गिरिराज जी लेके मत आइए, यहीं रेमुना में छीर चोरा गोपीनाथ जी को चंदन घिसकर धराइए श्री अंग पर। श्री गोपीनाथ जी को चंदन लगाने से वहां ब्रज में गिरिराज जी में मेरे अंग को शीतलता प्राप्त हो जाएगी। इस बात से एक और बात स्पष्ट है कि सब ठाकुर ठाकुर एक हैं, गुरु गुरु सब एक, संत संत सब एक हैं, भक्त भक्त सब एक, सब श्री विग्रह एक हैं। इस बात को भी भगवान ने प्रमाणित किया। तो जब श्रीनाथ जी ने ही ऐसा कह दिया, तब माधवेंद्रपुरी रेमुना रुक गए और ठाकुर जी को चंदन घिसकर कपूर केसर के सहित श्रीअंग पर लेप किया, श्रीअंग पर श्रृंगार किया। जिस दिन श्री माधवेंद्रपुरी जी ने श्री गोपीनाथ जी के श्रीअंग पर चंदन घिसकर धारण कराया, उस दिन अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया, अक्षय लीला, उस दिन अक्षय तृतीया थी। और उस दिन से लेकर के फिर 21 दिन तक श्री माधवेंद्रपुरी पाद ने श्री गोपीनाथ जी को चंदन धारण कराया और बलिहार, चंदन तो धारण कराते थे वहां उड़ीसा में,
बालेश्वर जिले के रेमुना में गोपीनाथ जी को, और उस गोपीनाथ जी को चंदन धारण कराने की सुगंध आती थी गिरिराज जी में, श्रीनाथ जी के श्रीअंग में। और तब तो पूरे ब्रज में नहीं, ये घटना ये संवाद पूरे भारतवर्ष में फैल गया। श्री माधवेंद्रपुरी की ख्याति तो भक्ति आचार्य के रूप में सारे जगत में थी ही, तब सबने निश्चय किया आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी ने बोलकर चंदन स्वीकार किया है माधवेंद्रपुरी के साथ। तो नियम बनाते हैं सब वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी जी को आदर्श मान करके, जहां हैं वहां अपने अपने ठाकुर जी को चंदन धारण कराएंगे, श्रीअंग पर चंदन की रचना करेंगे। जहां श्रीअंग पर चंदन रचना संभव नहीं, वहां ठाकुर जी को सूती पोशाक धारण करा के उस सूती पोशाक के ऊपर चंदन की रचना की जाती है। चरणों में, हस्त कमल में, मुख पर चंदन का श्रृंगार होता है, अथवा सबसे सुंदर संपूर्ण अंग पर श्री चंदन का श्रृंगार होता है। तो श्री माधवेंद्रपुरी जी 21 दिन तक, और ऐसे तो प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन धारण होता है अक्षय तृतीया पर विशेष, तब माधवेंद्रपुरी जी ने उस उत्सव को चलाया। और बंधुओं, तब संपूर्ण भारत में जहां जहां भी रागानुगा पद्धति से श्री कृष्ण की सेवा हो रही है, श्री राधा माधव की सेवा हो रही है, वहां सब जगह अक्षय तृतीया को सब संप्रदायों में श्री ठाकुर जी को चंदन धारण कराया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर श्री वृंदावन में हमारे प्राणवल्लभ ठाकुर श्री राधा रमन जी को संपूर्ण अंग में चंदन की पोशाक, आप दर्शन करें तो आपको लगेगा पीली पोशाक पहना रखी है शायद, पर वो पीली पोशाक नहीं होती, वो श्री चंदन होता है, संपूर्ण अंग पर दिव्य चंदन का श्रृंगार होता है। तो इस चंदन उत्सव को चलाने वाले, इस अक्षय तृतीया उत्सव के जनक श्री मन माधवेंद्रपुरी पाद है, जिनको भक्ति अंकुर कहा जाता है। माने श्री गौरांग महाप्रभु जी कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति के यदि कल्प वृक्ष हैं, तो उस कल्प वृक्ष के अंकुर श्रीमन माधवेंद्रपुरी पाद हैं। तो उन माधवेंद्रपुरी पाद जी के द्वारा अक्षय तृतीया का उत्सव सारे जगत में प्रचलित हुआ। आज सब संप्रदायों में वैष्णवों के बहुत दिव्य रूप में अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया जाता है, पर जनक इस उत्सव के माधवेंद्रपुरी पाद हैं। तो उन माधवेंद्रपुरी पाद जी की लीला को भी स्मरण करना चाहिए, उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए, और फिर अपने ठाकुर जी को दिव्य रूप में चंदन धारण कराना चाहिए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम।